क्यों चलता है सिलाई मशीन उल्टा, क्यों बार बार उल्टा हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट बताते हैं आपको हम कि सिलाई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूं आप सबके सामने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के। तो आज का भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, किसी भी लड़की या लड़का जब लेकर के जाते हैं नया सिलाई मशीन ना, तो क्या करते हैं कि जब भी चलाते हैं तो उल्टा चल जाता है, यानी कि उल्टा चलने लगता है, तो बोलते हैं क्या करें, हम परेशान हो जाते हैं, हम सीधा सिलाई मशीन को चला नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि जब भी आप सिलाई मशीन न्यू खरीद के घर पर आएंगे ना, तो जब भी आप चलाना स्टार्ट करेंगे और आपसे भी अगर उल्टा चल जाता है ना, तो दोस्तों क्यों चलता है सिलाई मशीन उल्टा, क्यों बार बार उल्टा हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट बताते हैं आपको हम कि सिलाई मशीन को उल्टा क्यों चलता है और कैसे चलाएंगे तो आपका सिलाई मशीन जो है सीधा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो पूरा कंप्लीट देखते रहिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि सिलाई मशीन से रिलेटेड वीडियो में ढेर सारा लाते रहता हूं दोस्तों आपके लिए, रिपेयरिंग से रिलेटेड, सिलाई मशीन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो करिए ना, देर किस बात की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक बच्चे को बुलाते हैं और इसके बाद इसको चलाते हैं। चलिए आ जाओ बाबू, चलो बैठो, चलाओ इसको। अब देखिएगा जब कोई भी बच्चा बैठता है चलाने के लिए नया नया, तो क्या होता है, अब ये तो चलाना जानता है भाई, तो इससे वो एक्सेल करके सीधा चलना स्टार्ट होगा, मगर चलाने की कोशिश करो जो उल्टा चलाते हैं लोग, कैसे चलाते हैं देखिए, इस तरीके से उल्टा चलाते हैं, कभी कभी उल्टा चल जाता है मशीन को, और सीधा चला के दिखाओ, और जब इस तरीके से सीधा चलता है ना तो बहुत ही अच्छे से चलता है। देखिएगा तो क्या होता है, ये जो पैर होता है ना, पैर के पास देखिएगा, ध्यान से देखिएगा पैर के पास, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब यहां का दबाना होता है तो पीछे का दबा देते हैं, हटाओ पैर, हटाओ, हम दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा जैसे इस तरीके से जब ऐसे होता है पैर ना, तो जब इधर का पूरा दब जाए अच्छे तरीके से, देखिएगा यहां से हम पट्टा उतार देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूरा मशीन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब पट्टा उतार के हमको, तो देखिएगा यहां पे क्या होता है कि अब इसको जब चलाना होता है तो इस तरीके से आपको चलाना पड़ता है, यानी कि जब भी आपको सीधा चलाना है ना तो इस तरीके से सीधा चला लीजिए, और जब यहां का पैर इस तरीके से देखिए, जब ये पूरा दब गया ना, तो अब ये दबने के बाद तुरंत हमें इसको दबाना है, इसको देखिए, तो अब इस तरीके से चलाने पर जब भी पूरा चल जाए इस तरीके से, तब आप दबाएंगे ना इस तरीके से, तो पूरा क्लियर चलेगा। कैसे चलाना है, पैर से हम चला करके आपको दिखाते हैं, यहां से देखिएगा, देखिएगा यहां पे पैर पे दिखाओ नीचे, इस तरीके से जब पैर रखते हैं, देखिएगा इस तरीके से, तो यहां पे इस तरीके से पैर रख लो पहले बार, और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ऐसे दबाओगे ना, ऐसे ऐसे यहां पे इस तरीके से, जैसे इधर इधर का जो है ये दब जाए अच्छे तरीके से यहां पे, और जैसे ही दब के स्टार्ट हो तुरंत इसको दबा देना है। देखिएगा तो जब भी इस तरीके से पैर रखना है, पैर बराबर रखो, और यानी कि ये जो पंजा है इधर को पहले, ये और पंजा जो है इधर को ऐसे दबाओ, फिर इधर को ऐसे, इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से। अगर अभी तक आप चलाना नहीं सीख पाए हैं, पहले आपको क्या करना है, यहां पे पहले आपको यही चीज रखना है कि पट्टा आपको चढ़ाना नहीं है। अगर आपसे बार बार सिलाई मशीन जो है उल्टा चल जाता है, परेशान हो जाते हैं, तो पट्टा को मत चढ़ाइए ऊपर, और पट्टा मत चढ़ाइए यहां पे। क्या करना है, इसको पट्टा जो है, इसका बेल्ट जो है उतार दीजिए, और उतारने के बाद पहले आप इसको सीधा चलाने की कोशिश करिए। इसको जब आप सीधा चलाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ पायदान आप चलाएंगे जब ना, तो इसमें कोई लोड नहीं होता, यानी कि मतलब जांगर नहीं लगता है, ताकत नहीं लगता है, कि बिल्कुल आसानी से आप सीधा चलाना सीख जाएंगे। तो जब ये चीज सीधा चलाना सीख जाएंगे ना, तो बस आप एक घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक घंटा, मात्र एक घंटा प्रैक्टिस करेंगे, जब इसको सीधा चलाना इस तरीके से सीख जाएंगे, तो फिर आपको क्या करना है, पट्टा लगा देना है। जब भी जैसे पट्टा लगाएंगे आप ना, तो थोड़ा ये जब मशीन को लेकर के चलेगा ना, तो थोड़ा भारी होगा, यानी ताकत लगेगा, तो इसकी वजह से अच्छे तरीके से आप नहीं चला पाते, घूम जाता है। तो पहले इससे प्रेस्टिक करिए, फिर इसके बाद बेल्ट लगाइए, फिर इसके बाद में आप चलाना सीखिए। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप चलाते हैं ना, तो आपका सिलाई मशीन उल्टा नहीं चलेगा, सीधा चलेगा, मगर आपको बेल्ट नहीं चढ़ाना है, पहले आपको सिलाई मशीन पायदान को ही चलाना है। तो इस तरीके से चलाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों एक लाइक करिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।